हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सादियास कुकिंग चैनल। आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम सेम फली चिकन करी बनाएंगे। पैन हीट होने के बाद ऑयल ऐड करेंगे, इसके अंदर सेम फली डालकर 5 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। लाइट ब्राउन कलर आने के बाद साइड पे निकाल लेंगे। उसी ऑयल में जीरे को ऐड किया है, इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च को ऐड करेंगे। प्याज गलने तक पकाएंगे। अदरक लहसुन मसाला, चिकन के अंदर 1 टेबल स्पून दही सॉल्ट डालकर साइड पे रखा था उसको ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर 5 मिनट पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद टमाटर को ऐड करेंगे, इसको भी 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। नमक, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सारे मसालों को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डालने के बाद 5 मिनट ढककर पकाएंगे। इसके अंदर फ्राई करके रखी हुई सेम फली को भी ऐड करेंगे। सेम फली को फ्राई करके डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, इसीलिए मैं फ्राई करके डाली हूँ। आप भी ज़रूर से इसी टाइप से बना के देखिए एक बार ज़रूर से। एक गिलास गर्म पानी को ऐड कर रही हूँ। कच्चा नारियल का मसाला ऐड करेंगे। काजू बादाम पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से 2 से 3 मिनट पकाएंगे। दो से तीन मिनट के बाद कसूरी मेथी ऐड करेंगे, पानी सूखने तक पकाएंगे। अब हमारा मज़ेदार सालन रेडी हो चुका है, आप भी अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।